हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं फोर्ड इकोस्पोर्ट थंडर वेरिएंट, जो कि जून मंथ में ही लॉन्च किया है फोर्ड इकोस्पोर्ट ने, और इसका प्राइस है 10,18,000। 10,18,000 से प्राइस स्टार्ट होता है। ये पेट्रोल और डीजल वेरिएंट दोनों में आता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों अगर फ्रंट से देखें तो फ्रंट की ग्रिल आपको फुल्ली ब्लैक मिलेगी, ग्लॉस और मैट फिनिश में। अगर आप दूसरी फोर्ड इकोस्पोर्ट देखेंगे जो कि रेगुलर आ रही है, तो उसमें आपको ये जो ग्लॉस फिनिश है उसमें आपको मेटल फिनिश मिल जाएगी। दोस्तों इसके साथ कुछ और कॉस्मेटिक चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। इसे थोड़ा स्पोर्टी बनाने की कोशिश की है। नीचे की क्लैडिंग भी आपको ग्लॉस और मैट फिनिश में मिल जाएगी। बीच में आपको फोर्ड का लोगो मिलेगा। अगर हम हेडलाइट्स की बात करें, हेडलाइट्स में बीच में आपको ये ब्लैक फिनिश मिलेगी, DRLs मिल जाएंगे और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, ये देखिए। और ये फॉग लाइट्स है, फॉग लाइट्स को भी आउटर जो कवरिंग है वो भी ब्लैक कलर की आपको मिलेगी। काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है। अगर ऊपर देखें इसके बोनट पे, तो बोनट पे आपको ऐसी ब्लैक कलर की टेपिंग मिल जाएगी, जैसे कि जीप ट्रेल हॉक वगैरह में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर हम टायर्स को देखें तो टायर्स में आपको वही व्हील्स मिलेंगे, बट ब्लैक, फुली ब्लैक अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। बीच में फोर्ड का लोगो होगा। यह है गाड़ी की साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल से आपको कुछ ऐसी दिखेगी डुअल टोन में, बट फुल्ली डुअल टोन नहीं है। थोड़ा सा पास में आकर देखते हैं गाड़ी कैसी लगती है। ये साइड में भी आपको टेपिंग मिल जाएगी और नीचे आपको ये प्लास्टिक की क्लेडिंग मिल जाएगी, और इसमें आपको इको स्पोर्ट की इंग्रेविंग भी मिल जाएगी। ये फोर्ड इकोस्पोर्ट का टाइटेनियम वेरिएंट है, जो टॉप वेरिएंट है उसे ही ये, उसमें ही ये चीज़ें आपको एड ऑन मिलेंगी। जो डोर हैंडल्स हैं उसमें आपको बॉडी पेंट ही मिलेगा, उसमें आपको ऐसी क्रोम फिनिश वगैरह नहीं मिलेगी या फिर ब्लैक कलर नहीं मिलेगा। इस वेरिएंट में क्रोम का यूज़ बहुत कम हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है। यह इसके ORVMs वो आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे। यह गाड़ी की रूफ, रूफ में आपको सनरूफ मिल जाएगी। यह रूफ रेल्स का डिज़ाइन भी काफ़ी स्पोर्टी है, ब्लैक कलर की रूफ रेल्स हैं। और यह क्वार्टर ग्लास। यह है रियर प्रोफाइल। रियर से भी गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी लग रही है। इसमें आपको ऐसा स्टेपनी कवर भी मिल जाएगा। अब हम देखते हैं पास से कि हमें क्या क्या मिलता है। ये इसमें ये चीज़ थोड़ी सी बड़ी बना दी गई है, और ऊपर आपको ऐसा स्पोर्टी एंटीना मिल जाएगा। यह स्पॉइलर, स्पॉइलर का कवर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और नीचे आपको ऐसा एक वाइपर मिल जाएगा। और ये स्टेपनी का कवर ब्लैक कलर का। यह है टेल लाइट, और नीचे आपको इको स्पोर्ट और उसके नीचे आपको थंडर की राइटिंग मिल जाएगी, और उसके नीचे आपको ब्लैक कलर की ये क्लैडिंग मिल जाएगी, जिसमें आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। दोस्तों बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इको स्पोर्ट की। आपको बैठकर गाड़ी में ऐसा लगेगा कि आप किसी अच्छी गाड़ी में, स्ट्रॉन्ग गाड़ी में बैठे हैं। यह बूट स्पेस देखिए, बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी खासी बूट स्पेस है गाड़ी में। तो चलिए अब हम देखते हैं इंटीरियर। इंटीरियर को भी थोड़ा सा इन्होंने डेकोरेट किया है डुअल टोन में, ऐसा ब्राउन और ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलेगा। ये आपको लेदर का लग रहा है, बट ये प्योर लेदर नहीं है, आर्टिफिशियल लेदर में आपको सीट्स मिलेंगी।
बट देखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ये देखिए इनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है सीट्स की। ये ऐसा कुछ लगता है इसका इंटीरियर। इसमें आपको 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। ये इसका स्टेयरिंग, स्टेयरिंग में दोनों साइड आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। स्टेयरिंग भी आपको कवर मिलेगा। यह इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी थोड़ा सा अच्छा बनाया गया है। और ये रहे नीचे के स्विचेस। ये है 18 टच स्क्रीन। ये गियर नॉब, नीचे आपको ये दो ग्लास होल्डर्स मिल जाएंगे। और ये है हैंडरेस्ट, हैंडरेस्ट के बीच में आपको ऐसी स्पेस मिल जाएगी थोड़ी सी। और इसमें भी आपको चार्जर का पॉइंट मिल जाएगा। दोस्तों अंदर से भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है गाड़ी के। ये इसका डोर, डोर की फिनिशिंग देखिए। डोर हैंडल्स मेटल फिनिश के हैं। साथ में आपको एक ट्विटर मिल जाएंगे, ट्विटर स्पीकर, उसमें भी आपको थोड़ा सा लेदर फिनिश मिल जाएगी। ये है डोर के कंट्रोल्स। और ये है ग्लास हैंडल, या फिर आप बॉटल होल्डर भी रख सकते हैं, या बोल सकते हैं इसे बॉटल भी रख सकते हैं। ये है रियर का डोर, रियर के डोर में भी बॉटल होल्डर है। और ये रही रियर की सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं। इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगी। और ये लेग स्पेस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी है। ये स्पेस आई ग्लासेस के लिए, आप यहाँ अपने गॉगल्स वगैरह रख सकते हैं। और ये है सनरूफ, सनरूफ का साइज़ थोड़ा सा छोटा है अगर आप एक्सयूवी 300 से कंपेयर करेंगे। और ये ऐसा है इसका इंटीरियर। तो दोस्तों ये सब था अबाउट फोर्ड इकोस्पोर्ट थंडर वेरिएंट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।